नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट सरल हिंदी में। आज हम बात करेंगे तंबाकू के खतरनाक नुकसान के बारे में। वर्तमान के समय में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या कोरोना वायरस से भी तेजी से बढ़ रही है। वयस्क के साथ साथ युवा भी इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, और इससे वो न सिर्फ तंबाकू के आदि हो रहे हैं बल्कि तंबाकू का सेवन उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। बहुत ही लोग तंबाकू का इस्तेमाल सिगरेट के रूप से करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तंबाकू को चबाते हैं। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, और तंबाकू का सेवन करने वालों को इसका आदत धीरे धीरे लग जाता है। तंबाकू का प्रभाव हर व्यक्ति के पर अलग अलग पड़ता है। ये उस व्यक्ति का स्वास्थ्य, वजन और कितनी मात्रा में वो तंबाकू का सेवन करता है, इन बातों पर निर्भर करती है। अगर दोस्तों आपने अभी तक तंबाकू के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव से अनजान है, तो आइए हम आपको बताते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में। तंबाकू कानूनी तौर पर बिकने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसके निर्देशों के अनुसार सेवन करने से भी हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति का मौत हो जाती है। भारत की 35% आबादी किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करती है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 48% पुरुष और 20% महिलाएं तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले 60% लोग सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर ये तंबाकू का सेवन करते हैं। भारत में लोग औसतन 17 साल की उम्र में ही तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जबकि 28% महिलाएं 15 साल की उम्र में ही तंबाकू का सेवन करना शुरू कर देते हैं। भारत में 16 करोड़ लोग धुआं रहित तंबाकू का सेवन करते हैं, और इनमें से ज़्यादातर लोग तंबाकू को चबाते हैं, जैसे कि गुटखा, खैनी, जर्दा आदि। क्या आपको पता है भारत में हर रोज 6000 बच्चे तंबाकू सेवन का शुरुआत करते हैं। एक सिगरेट पीने से हमारी ज़िंदगी के 11 मिनट कम हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप दिन में 20 सिगरेट पीते हैं, आपकी ज़िंदगी में 220 मिनट और 3 घंटे 40 मिनट कम हो जाते हैं। अगर आप साल भर प्रतिदिन 20 सिगरेट पीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में 55 डे और 1320 घंटे कम हो जाते हैं। मतलब कि 10 साल सिगरेट पीने वाले व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के 550 दिन कम कर लेता है। क्यों तंबाकू का सेवन करते हो यार? दुनिया में हर साल तंबाकू का सेवन करने से 60 लाख लोगों का मौत हो जाती है, और इन 60 लाख लोग में से 1.5 लाख लोग भारत के होते हैं। इसका मतलब है कि हर दिन भारत में 3500 मौत तंबाकू के सेवन करने से ही होता है। भारत में 40% कैंसर के मामले तंबाकू का सेवन करने के कारण होते हैं। भारत में 50% लोग सेकेंड हैंड स्मोकिंग करने को मजबूर है। अगर आपको नहीं पता है कि सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या है, तो मैं आपको जरा बताऊं। तंबाकू सेवन करने वाले लोगों की वजह से उत्पन्न हुआ धुआं दूसरे लोगों के शरीर में जाए, तो इसे सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। भारत तंबाकू उत्पादन के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में हर साल 80 करोड़ किलो तंबाकू उत्पादन होता है। भारत के तंबाकू उद्योग से 4.50 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। एक अनुमान के अनुसार 2021 तक भारत में तंबाकू का कारोबार 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा। ये है दोस्तों तंबाकू का नतीजा। क्या आप भी अभी तक ये तंबाकू को यूज़ कर रहे हो, छोड़ दो ये सब। 2015 में तंबाकू पर लगाए जाने वाले टैक्स से भारत सरकार को 21,463 करोड़ की आमदनी हुई थी। सेकेंड हैंड स्मोकिंग के कारण हर साल 6 लाख लोग मारे जाते हैं। क्यों दूसरे को नुकसान पहुंचाते हो यारो, छोड़ दो ये सब। हमारी दुनिया बहुत सुंदर है, इसको बर्बाद मत करो। क्या आपको पता है सिगरेट पीने से हार्ट अटैक भी आती है? अगर आपने बीड़ी और सिगरेट पीना छोड़ दे, तो अपने हार्ट अटैक के खतरे को 50% तक कम कर सकते हो। मेरा बात को आप लोगों को बकवास लग रहा होगा। एक बार सोचिए, अगर आपका कुछ हो गया तो आपका फैमिली का क्या होगा, आपके चाहने वालों का क्या होगा? एक बार सोचिए। जो लोग धूम्रपान नहीं करते, उनके तुलना से धूम्रपान करने वाले लोगों का उम्र 22 से 26 साल तक कम हो जाता है। क्या आपने इतना शॉर्ट लाइफ टाइम जीना चाहते हैं? क्यों ये दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं? छोड़ दो यारो ये सिगरेट फूकना। सिगरेट फूकने से क्या होगा, आप तो आपकी फैमिली को मिस करोगे ना, आपकी फैमिली भी आपको बहुत मिस करेगा। शायद आपके बच्चे कल इसी तरह रो रहे होंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो छोड़ दीजिए ना। अगर आपको लगता है मेरी बातों में दम है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा।
चलिए दोस्तों एंड करते हैं आज का वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटा वाला आइकन को भी जरूर दबा दीजिए।